गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको ताप में वृद्धि के प्रभाव उष्मा का प्रभाव पढ़ाया जा रहा था, जिसके अंतर्गत बताया गया था कि उष्मा के जो है दैनिक जीवन में मूल रूप से तीन प्रभाव हम अनुभव कर सकते हैं या ठीक है या हमको दिखाई देते हैं। पहला ताप में वृद्धि का प्रभाव, दूसरा उष्मीय प्रसार और तीसरा अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, ये तीनों प्रभाव हमको अपने दैनिक जीवन में जो है देखने को मिलता है उष्मा के प्रभाव रूप में। ठीक है, तो आपको मैं ताप में वृद्धि का प्रभाव बता रही थी, है ना। पहला प्रभाव ताप में वृद्धि का प्रभाव बता रही थी, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताई थी कि जब हम किसी वस्तु को उष्मा देते हैं तो वस्तु के वो अणु क्या करते हैं, उष्मा को ग्रहण कर लेते हैं और कंपन करके अन्य सभी अणुओं को भी उष्मा क्या कर देते हैं, संचरित कर देते हैं ना, जिससे वो पदार्थ क्या हो जाता है, जल्दी से गर्म हो जाता है। और जब क्या होते हैं, वस्तु को हम उष्मा देना बंद करते हैं तो वह वस्तु जो उष्मा ग्रहण किया रहता है उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे त्यागने लगता है, जिससे वस्तु क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार जब हम वस्तु को क्या करते हैं, उष्मा देते हैं तो वस्तु का ताप बढ़ जाता है अर्थात वो गर्म हो जाता है, और जब वस्तु से उष्मा लेते हैं तो वस्तु का ताप कम हो जाता है अर्थात वह ठंडा हो जाता है। आया समझ में सबको? तो इस प्रकार से क्या होता है, वस्तु का गर्म होना या फिर ठंडा होना तीन चीजों पर निर्भर करता है। ठीक है, वस्तु का गर्म होना या ठंडा होना उष्मा लेने या देने की क्रिया पर निर्भर करता है। तो किसी भी वस्तु को जब हम उष्मा देते हैं या उससे उष्मा लेते हैं तो वह तीन चीजों पर क्या होती है, निर्भर करती है। समझ में आया सबको? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ ताप में वृद्धि के प्रभाव में किसी वस्तु, ठीक है, किसी वस्तु को दी गई उष्मा, ठीक है, किसी वस्तु को दी गई उष्मा या वस्तु से ली गई उष्मा, है ना। देखो, गर्म करने के लिए उसको देते हैं, ठंडा करने के लिए लेते हैं, है ना। तो किसी वस्तु को दी गई उष्मा या वस्तु से ली गई उष्मा निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। देखिए, किस बात पर या तथ्य पर निर्भर करती है, किसी वस्तु को ली गई उष्मा या फिर किसी वस्तु को दी गई उष्मा, ठीक है, तो निम्नलिखित बातों या फिर तथ्यों पर निर्भर करती है। आ रही बात समझ में? देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि एक गिलास पानी है और एक बाल्टी पानी है, तो एक गिलास पानी का द्रव्यमान कम होता है और एक बाल्टी पानी का द्रव्यमान अधिक होता है। तो एक गिलास पानी का द्रव्यमान कम है तो इसलिए उसको कम उष्मा देना पड़ेगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है तो थोड़ी सी उष्मा देने पर भी गर्म हो जाएगा। लेकिन एक बाल्टी पानी का द्रव्यमान अधिक है तो उसको क्या होता है, अपेक्षाकृत अधिक उष्मा देंगे तभी वो गर्म हो पाएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कम द्रव्यमान वाली वस्तु को कम उष्मा गर्म करने के लिए थोड़ी सी उष्मा देनी पड़ती है, और अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु को गर्म करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, है ना। तो ठीक, यहाँ पर वही कंडीशन आ रही है कि किसी वस्तु को दी गई उष्मा या वस्तु से ली गई उष्मा किन बातों पर निर्भर करती है, तो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, पहला, ठीक है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाली वस्तु की जो उष्मा होती है वो वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होती है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, किसी वस्तु की, ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत इजी है, तो किसी वस्तु से प्राप्त उष्मा, किसी वस्तु से प्राप्त उष्मा या प्रदान की गई उष्मा, देखो किसी वस्तु को से उष्मा लिए मतलब प्राप्त किए, है ना, या प्रदान की गई उष्मा, ठीक है, वस्तु के पदार्थ के द्रव्यमान के, ठीक है, वस्तु का जो पदार्थ होता है, ठीक है, वस्तु के पदार्थ के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ठीक है, द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। क्लियर, ये होता है फर्स्ट पॉइंट ताप में वृद्धि का, कि जब हम किसी वस्तु को गर्म करने के लिए ताप देते हैं या उसको उससे हम ताप लेते हैं तो यह बात
किस पर निर्भर करती है? वस्तु के पदार्थ के द्रव्यमान पर। तो वस्तु के पदार्थ के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अर्थात इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए, ऊष्मा को हम Q से प्रदर्शित करते हैं और द्रव्यमान को हम M से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु को दी गई ऊष्मा या वस्तु से ली गई ऊष्मा को Q से प्रदर्शित करते हैं और वस्तु के पदार्थ के द्रव्यमान को M से। M मतलब मास, ठीक है? तो उसके समानुपाती होता है। और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है? समानुपाती का चिन्ह है, ठीक है? इसको हम समानुपाती बोलते हैं। तो ऊष्मा क्या होता है? द्रव्यमान के समानुपाती होता है, ठीक है? वस्तु को दी गई ऊष्मा या वस्तु से ली गई ऊष्मा वस्तु के पदार्थ के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यहाँ तक समझ में आया सबको? ये हो गया हमारा समीकरण नंबर एक। अब देखिए, दूसरी कौन सी चीज पर निर्भर करती है? पहला कंडीशन हुआ, अब देखो दूसरा किस में निर्भर करते हैं? तो किसी वस्तु से प्राप्त ऊष्मा या प्रदान की गई ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। उस चीज को आप फिर रिपीट करना कि, ठीक है, इस चीज को आप फिर रिपीट करना कि किसी वस्तु, ठीक है, किसी वस्तु को प्रदान की गई, किसी वस्तु को प्रदान की गई या ली गई, ठीक है, ली गई उष्मा। देखो, अब हम यदि किसी वस्तु को उष्मा देते हैं तो उसके ताप में वृद्धि होगी, ठीक है, और यदि किसी वस्तु से उष्मा लेते हैं तो उसके ताप में कमी होगी। मतलब वृद्धि होना, कमी होना परिवर्तन को दर्शाता है, तो उसको परिवर्तन बोलते हैं, है ना? तो किसी वस्तु को प्रदान की गई या ली गई उष्मा ताप में परिवर्तन, ठीक है, मतलब जब किसी वस्तु को देते हैं या फिर उसको लेते हैं तो वस्तु के ताप में क्या हो जाता है? परिवर्तन, बदलाव आ जाता है, ठीक है? तो ली गई उष्मा ताप में परिवर्तन के कितना बदलाव आया, ठीक है, ताप में परिवर्तन मतलब ताप में कितना बदलाव आया उसके समानुपाती होता है। तो इसको बोलते हैं कि ताप में परिवर्तन के क्या होता है? समानुपाती होता है, ठीक है, ताप में परिवर्तन के समानुपाती होता है। अर्थात क्या लिखा जाएगा इसको? तो Q मतलब उष्मा, है ना? तो Q मतलब उष्मा हो गया, और उष्मा किसके समानुपाती होता है? देखो, ताप में परिवर्तन, तो ताप मतलब T और परिवर्तन मतलब डेल, ठीक है? इसको यहाँ पे त्रिभुज नहीं बोलेंगे, डेल बोलते हैं, डेल, ठीक है? तो Q समानुपाती डेल T, यहाँ पे जो डेल है वो ताप में वृद्धि या कमी अर्थात ताप में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, ठीक है? नहीं पता तो यहाँ पर लिख देना, जहाँ Q बराबर उष्मा, ठीक है, और M क्या है? M बराबर पदार्थ का द्रव्यमान, है ना? M क्या है? पदार्थ का द्रव्यमान है, और डेल टी, टी मतलब ताप, तो डेल टी मतलब ताप में परिवर्तन। समझ में आया? ताप में परिवर्तन कब आता है? जब वस्तु को उष्मा देते या फिर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं समीकरण दो। समझ गए ना सभी? अब देखिए, यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो समीकरण एक का बायां पक्ष और समीकरण दो का बायां पक्ष समान है, समान है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, समीकरण एक व दो को मिलाकर लिखने पर, ठीक है, मिलाकर लिखने पर, समीकरण एक और दो को मिलाकर लिखते हैं, तो मिलाकर लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमको? Q समानुपाती M इंटू डेल T। देखो, दोनों साइड में, मतलब समीकरण एक और दो का बायां पक्ष समान है, इसलिए एक को लेंगे, है ना, और दायां पक्ष ये M हो गया और दायां पक्ष ये डेल T, तो ये आपस में गुणा में हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आई? आप देखिए, यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो नियतांक लगता है। समझ में आया? जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो एक नियतांक लगता है और बराबर का चिन्ह आ जाता है। तो यहाँ पे हम नियतांक लेते हैं कैपिटल S और ये हो जाएगा M इंटू डेल T, ठीक है? जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है बराबर का चिन्ह आता है और उसके साथ में एक नियतांक लगता है, ठीक है? और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर दो के बाद T। अब यहाँ पे S क्या है? तो S क्या है, जहां पर लिखेंगे S बराबर विशिष्ट ऊष्मा, S को हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं, ठीक है? अब आगे विशिष्ट ऊष्मा क्या है मैं अभी बताऊंगी आप लोग को, चिंता मत करिए। तो S क्या है? विशिष्ट ऊष्मा जो किस पर निर्भर करता है? जो पदार्थ की प्रकृति पर क्या करता है? निर्भर करता है, ठीक है? S यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा है और वह किस पर निर्भर करता है? तो वह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। समझ में आया सबको? समझ में आया? तो
इस प्रकार से हमने विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र निकाला, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा का देखो ये क्या है, हमारा ऊष्मा का है। अब यहाँ विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र निकालेंगे, तो यदि आपको पूछा जाएगा विशिष्ट ऊष्मा की व्युत्पत्ति करिए, तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ताप में वृद्धि, ताप में परिवर्तन या फिर किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा किन किन बातों पर निर्भर करती, तो तीन बातों पर निर्भर करती। पहला वस्तु के द्रव्यमान पर, ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान पर। दूसरा वस्तु में हुए ताप में परिवर्तन पर। और तीसरा पदार्थ की प्रकृति पर। तो ताप में वृद्धि केवल तीन चीजों पर निर्भर करती है। एक बार और रिपीट कर देती हूँ, पहला किस पर निर्भर करती, वस्तु के द्रव्यमान पर। दूसरा किस पर निर्भर करती है, तो ताप में परिवर्तन पर। और तीसरा किस पर निर्भर करती है, तो पदार्थ की प्रकृति पर। आया समझ में सबको? तो इस प्रकार से इतना क्लियर हुआ, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ताप में वृद्धि में आपको जो बताया जा रहा था विशिष्ट ऊष्मा की सूत्र की व्युत्पत्ति कैसे करते हैं, तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। समझ में आया ना सबको? चलिए इसमें थोड़ा सा और है, यहाँ पे बता देते हैं कितना सा है, थोड़ा सा है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखो समीकरण तीन में एस क्या है, विशिष्ट ऊष्मा है जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती। क्लियर हो गया ना? अब यहाँ से हमको क्या करना है, एम और डेल टी को पक्षांतर करना है। पक्षांतर मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाना है। तो ये यहाँ पर एस के साथ गुणा में है, तो यहाँ पे क्यू के साथ भाग में हो जाएगा। तो पक्षांतर, गणित में पक्षांतर करना सब जानते हो ना, तो क्यू क्या हो जाएगा, ये क्यू अपान एम इंटू डेल टी, और ये हो जाएगा बराबर एस, है ना। तो यार इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको क्या इतना आया ना, तो इसको हम सीधा इस प्रकार से लिखते हैं, एस बराबर क्यू अपान एम इंटू डेल टी, ठीक है। ये विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र है, ठीक है, किसका सूत्र है, विशिष्ट ऊष्मा। तो हम अभी क्या पढ़ रहे थे भाई, विशिष्ट ऊष्मा पढ़ रहे थे, है ना। यह विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र है, समझ में आया। तो विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र क्या है बताओ, विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र है, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा का संकेत क्या है, एस है। ऊष्मा का संकेत क्या है, क्यू है। तो विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र क्या है, तो एस बराबर क्यू, ठीक है, एस बराबर क्यू अपान एम इंटू डेल टी, ठीक है। ये विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र है, समझ में आया। चलिए अब विशिष्ट ऊष्मा का एस आई मात्रक निकालते हैं, ठीक है। तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक या एस का मात्रक, ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक या एस का मात्रक, देखो कैसे निकालना है, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो, तो रटना नहीं पड़ेगा। तो एस हो गया, इसका मात्रक निकालना है ना, क्यू क्या है, ऊष्मा है, क्यू क्या है, ऊष्मा है। और ऊष्मा का मात्रक क्या होता है बताओ, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, एसआई मात्रक, है ना। और सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है, आया समझ में सबको, ठीक है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, और एम क्या है, द्रव्यमान है, एम वस्तु का द्रव्यमान है, और द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम होता है, याद रखना, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। और ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, ताप का एसआई मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, डिग्री सेल्सियस, आप जानते हो ना सब, तीन पैमाना हमने पढ़ा, सेल्सियस केल्विन फारेनहाइट। तो उसमें ताप का एसआई मात्रक क्या है, सॉरी, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, बट यहाँ पर हम डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। आया समझ में सबको, क्योंकि उसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, आता है हमको, ठीक है। तो चलिए एस का क्या निकला मात्रक, तो क्या आ गया, जूल का संकेत जीए होता है, और किलोग्राम का संकेत केजी होता है, और डिग्री सेल्सियस का संकेत क्या होता है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, आया समझ में। तो ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, तो जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो लिख सकते हो एस का मात्रक, ठीक है, एस का मात्रक क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, एसआई मात्रक, तो क्या लिखेंगे, जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, क्लियर, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, आया समझ में। या फिर सीधा उसको आप लोग इस टाइप से भी लिख सकते हो, ठीक है, क्या लिख सकते हो, केजी का अपान केजी डिग्री सेल्सियस, आया समझ में। तो ये विशिष्ट ऊष्मा का क्या है, एस एसआई मात्रक है, ठीक है। और यदि आपको सीजीएस मात्रक
ठीक है। यदि आप लोग को CGS मात्रक लेना है तो आप क्या कर सकते हो, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। या S का क्या लिख सकते हो, देखो CGS में क्या होता है, SI मात्रक कैलोरी होता है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, कैलोरी, ठीक है। और यहाँ पे ग्राम, किलोग्राम को क्या कर देना, ग्राम डिग्री सेल्सियस, समझ में आया, ठीक है, ग्राम डिग्री सेल्सियस। या कैसे लिखोगे, तो कैलोरी मतलब CAL, ग्राम मतलब G और डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो इसको, S बराबर आप लोग सीधा सीधा कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, आया समझ में। तो इस प्रकार से यह होता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 3 और ये समीकरण 4। अब होता क्या है समीकरण 4 में देखो क्या है, m बराबर 1 व डेल t बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 4 में हमको क्या करना है, m बराबर 1 रखना है और डेल t बराबर भी 1 रखना है। तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा बताओ, S हो जाएगा और इसकी भी वैल्यू 1 रखेंगे, इसकी भी वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 × 1 = 1 आएगा, तो इसलिए सीधा क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में, कब आएगा ऐसा, जब M की वैल्यू 1 और डेल्टा T की वैल्यू भी 1 होगी, ठीक है। तो आया समझ में, तो 1 मतलब इकाई, इकाई को 1 बोलते हैं, है ना, तो 1 मतलब इकाई, समझ में आया। तो देखो विशिष्ट ऊष्मा किसे बोलते हैं, तो देखो जब किसी वस्तु, देखो विशिष्ट ऊष्मा किसको बोलेंगे, तो इसको इकाई बोलते हैं, ठीक है। तो देखो और ये द्रव्यमान है ना, तो इकाई द्रव्यमान की पदार्थ की, ठीक है, इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ की ताप में इकाई की वृद्धि करने के लिए आवश्यक, ठीक है। मान लीजिए कोई एक इकाई द्रव्यमान के पदार्थ है जिसके ताप में हमें इकाई की वृद्धि करना है, तो वृद्धि करने के लिए उसको गर्म करना पड़ेगा, ऊष्मा देना पड़ेगा, तो कितना ऊष्मा देंगे, तो जितनी ऊष्मा देंगे उसे ही हम विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। आया समझ में इकाई द्रव्यमान वाली वस्तु का ताप में इकाई की वृद्धि करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती उसे उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्लियर। एक बार और रिपीट कर देती हूँ, इकाई द्रव्यमान वाले वस्तु का ताप में इकाई की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं, या जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। समझ गया ना सभी, आया समझ में, इसके नीचे में आप लोग उसको लिख लेना। तो क्लियर है ना, विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं, पता चल गया, ठीक है, किसी भी वस्तु लिख लेना, ठीक है, याद कर लेना। तो समझ में आया ये इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, मात्रक को अच्छे से याद रखो, बिना मात्रक के आप लोग आंसर नहीं कर सकते, ठीक है, मात्रक को अच्छे से याद रखना। आया समझ में, क्लियर है। उसके बाद फार्मूला को याद रखना, अभी मैं न्यूमेरिकल बताऊंगी, तो फार्मूला को अच्छे से याद रखना, ओके, समझ में आया। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसके, तो विशिष्ट ऊष्मा क्या है, क्लियर, विशिष्ट ऊष्मा का संकेत क्या है, एस है, ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक क्या है, तो जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। अन्य मात्रक क्या है, तो कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है, चलो वेरी गुड। अब आगे पढ़ते हैं हम ऊष्मा धारिता, ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं ऊष्मा धारिता। एक चीज आप लोग और याद, विशेष तौर पर याद रखेंगे, ठीक है, एक चीज आप लोग विशेष तौर पर याद रखेंगे, ठीक है, क्या याद रखना है कि यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, ठीक है, यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता अधिक है, ठीक है, किसी भी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता जब अधिक होती है तो वह पदार्थ देरी से गर्म होगा और देरी से ठंडा होगा, ठीक है। ये दो पॉइंट आप लोग विशेष तौर पर याद रखेंगे, जब किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता का मान अधिक होता है तो वह पदार्थ देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा होता है, ठीक है। उसके बाद जब किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा का मान कम होता है तो वह पदार्थ जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, क्लियर, इस चीज को विशेष तौर पर याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, मान लीजिए किसी वस्तु के विशिष्ट ऊष्मा धारिता का मान अधिक है,
अधिक है ना, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, अधिक होगा, और अधिक द्रव्यमान है तो उसको अधिक ऊष्मा देना पड़ेगा, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, जब तक उसको पर्याप्त ऊष्मा नहीं मिलती तब तक वो गर्म नहीं होता, तो इसलिए उसको ज्यादा टाइम तक गर्म करना पड़ता है। लेकिन ठंडे सॉरी कम ऊष्मा धारिता वाले वस्तु में जैसे इसकी अपोजिट कंडीशन होती है, आया समझ में? तो चलिए आगे देखते हैं ऊष्मा धारिता। ऊष्मा धारिता मीन्स हीट कैपेसिटी, ठीक है, हीट कैपेसिटी। चलिए तो ऊष्मा धारिता या फिर हीट कैपेसिटी देखते हैं, ठीक है। तो मान देखो अभी हमने ऊष्मा में बोला, विशिष्ट ऊष्मा धारिता में बोला, या विशिष्ट ऊष्मा में हमने क्या बोला, यह बोला कि किसी वस्तु का ताप, ठीक है, इकाई द्रव्यमान वाली वस्तु के पदार्थ का ताप में इकाई की वृद्धि करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो वस्तु ले रहे हैं उसकी द्रव्यमान कितना है, इकाई है, ठीक है, इकाई है, समझ में आ सबको? अब देखिए यहाँ पे होता क्या है विशिष्ट ऊष्मा धारिता में, कि किसी भी वस्तु के पदार्थ का संपूर्ण द्रव्यमान में, ठीक है, अब देखो विशिष्ट ऊष्मा धारिता में हम इकाई द्रव्यमान बोलते थे, ठीक है, लेकिन ऊष्मा धारिता में संपूर्ण द्रव्यमान बोलते हैं, यही अंतर होता है, बाकी दोनों का परिभाषा सेम टू सेम है। आया समझ में सबको? इस बात को आप लोग नोट करके रखें, ध्यान दीजिए तो आप लोग को रटना नहीं पड़ेगा। विशिष्ट ऊष्मा धारिता में क्या बोलते हैं, इकाई द्रव्यमान बोलते हैं, और इसमें क्या बोलते हैं, संपूर्ण द्रव्यमान बोलते हैं। हो गया, फिर उसमें का परिभाषा में बस इतना ही, उसमें इकाई द्रव्यमान लिखते हो ना, वहां पे संपूर्ण द्रव्यमान कर देना और ताप को 1 डिग्री सेल्सियस कर देना, तो ऊष्मा धारिता का परिभाषा बन जाएगा। आया समझ में? तो एक बार ध्यान से सुन लो, किसी भी वस्तु के पदार्थ का ताप, ठीक है, किसी भी वस्तु के पदार्थ के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे ऊष्मा धारिता बोलते हैं, क्लियर। लेकिन विशिष्ट ऊष्मा में हमने क्या बोला था, कि किसी भी इकाई द्रव्यमान वाली वस्तु के ताप में इकाई की वृद्धि करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। लेकिन ऊष्मा धारिता की किसी भी वस्तु के पदार्थ के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको ऊष्मा धारिता बोलते हैं। आज समझ में? दोनों का कंपेयर कर लेना तो आपका ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, तो ऊष्मा धारिता क्या आपको बता दी हूँ, ठीक है। अब देखो ऊष्मा धारिता का सूत्र क्या है, तो ऊष्मा धारिता का सूत्र है, ठीक है, ऊष्मा धारिता का सूत्र है द्रव्यमान गुणित विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, द्रव्यमान गुणित विशिष्ट ऊष्मा। देखो मान लीजिए हम बोलते हैं कि एक पेन का मूल्य 5 रुपए है, ठीक है, एक पेन का मूल्य 5 रुपए है और पैकेट में टोटल 10 पेन है, ठीक है, एक पेन का मूल्य 5 रुपए है और पैकेट में टोटल 10 पेन है, तो 10 पेन का मूल्य कितना होगा, तो आप बोलोगे ना 5 × 10 = 50। वैसे ही ये क्या है, पैकेट का एक पेन है, ठीक है, और ये पूरा पैकेट है। आया समझ में? आया समझ में? ये पैकेट का एक पेन है और ये पूरा पैकेट है, समझ में आया? मतलब कि किसी पदार्थ के संपूर्ण द्रव्यमान के एक इकाई का जो ताप हमको बढ़ाना होता है ना, उसको उसके लिए जितनी ऊष्मा लगती है उसको हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। लेकिन जब उस पदार्थ के संपूर्ण भाग का ताप बढ़ाना होता है तो उसके लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम विशिष्ट ऊष्मा धारिता बोलते हैं। याद रखना, ऊष्मा धारिता में हम 1 डिग्री सेल्सियस संपूर्ण द्रव्यमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं, लेकिन विशिष्ट ऊष्मा में हम इकाई द्रव्यमान में इकाई तापमान की वृद्धि करते हैं, क्लियर। चलो तो विशिष्ट ऊष्मा धारिता का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित विशिष्ट ऊष्मा। द्रव्यमान का संकेत बताओ भाई, m होता है, और विशिष्ट ऊष्मा का संकेत क्या होता है बताओ, s होता है ना। अब देखिए आगे और क्या होता है, तो चूंकि s बराबर हमने क्या निकाला था, s बराबर हमने निकाला था m q / m into del t, यही निकाले थे ना। अब वैल्यू को उसमें पुट कर दो, वैल्यू को उसमें पुट करोगे तो ऊष्मा धारिता बराबर क्या आएगा बताओ भाई, जल्दी वैल्यू को पुट करके बताओ। तो वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा m into s की वैल्यू कितनी है, रखो s की वैल्यू है q / m into del t, यहाँ से आप m और m क्या कर दोगे, क्रॉस कर दोगे, तो ऊष्मा धारिता बराबर क्या मिला जी, देखो q / del t मिला, ठीक है। तो ऊष्मा धारिता की फॉर्मूला क्या हो गई, q / del t, ठीक है, आया समझ में? ये देखो, या तो आप इस वाले फार्मूले को रख लेना या ऊष्मा धारिता का ये वाला फार्मूला भी आप रख सकते हो m into s,
ठीक है, एम एस सीधा बोल सकते हो, उष्माधारिता का फॉर्मूला एम एस है। आगे इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये वाला मिलेगा। अब यहाँ से आप इसकी इकाई निकालो, यूनिट निकालो, तो देखो क्यू क्या है, उष्मा है, और उष्मा की एसआई मात्रक जूल, ठीक है, और डेल्टी क्या है ताप, और ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति डिग्री सेल्सियस। आया समझ में? या ये नहीं लिखना चाहते तो उष्मा का अन्य मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है, और ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। तो उष्माधारिता का एसआई मात्रक जूल प्रति डिग्री सेल्सियस, उष्माधारिता का सीजीएस मात्रक कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। समझ में आया सबको, ठीक है। तो इस प्रकार से उष्माधारिता का फार्मूला हो गया और ये उसका मात्रक भी हो गया। समझ गए ना सभी, परिभाषा को सुन के लिखना, ठीक है, परिभाषा को सुनकर लिखने की कोशिश करना। चलिए तो इसको अच्छे से समझिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ना एग्जांपल बताऊंगी, ठीक है, तो पढ़ो अच्छे से।